दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, प्रोटीस का फ्रूट मिनी फेशियल किट का रिव्यू शेयर करूंगी, साथ ही स्टेप बाय स्टेप डेमो भी दूंगी अपने फेस पे, ताकि आप लोगों को पता चले कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, जैसे इसका क्लिंजर कैसा है, स्क्रब कैसा है, मैं शेयर करूंगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 2 दिन फेशियल के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूं, ताकि मैं अपने फेस का ग्लो आप लोगों को दिखा सकूं। इसके लिए तो क्योंकि फेशियल 2 दिन के बाद ही पता चलता हो आपके फेस पे कैसा काम कर रहा है, इसीलिए दोस्तों इसलिए मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी कि फेशियल के 2 दिन के बाद इसका रिजल्ट कैसा मुझे लगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। उसके सामने जो घंटी है उसे भी हिट जरूर कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। पैकेजिंग इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आप देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छी लगी है, एकदम लगता है कि गिफ्ट है ये। तो राखी है, आप अपनी सिस्टर को गिफ्ट भी दे सकते हो या फिर अपनी वाइफ को भी दे सकते हो, क्योंकि फेस पे ग्लो और फेशियल हर गर्ल्स को अच्छी लगती है। एंड दोस्तों, ये है जोबीस का फ्रूट मिनी फेशियल किट। इसके और भी वेरियंट्स अवेलेबल है मार्केट में, आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हो, बट मुझे फ्रूट वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैंने इसे ही पिक किया है। दोस्तों, और इस साइड में आपको बैक साइड में सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है, इसमें कौन से प्रोडक्ट कितने ग्राम की है, इसको आपको कैसे यूज करना, सेल्फ लाइफ वगैरह सारी चीज़ें, और बाकी जो भी चीज़ें डाउट है मैं आगे आपको क्लियर कर दूँ। प्राइस की बात करूँ तो मैं 215 रुपीज़ है, सिर्फ 215 रुपये, जिसे कहते हैं इंडिया करेंसी में, और 15 रुपीज़ मुझे डिस्काउंट में ही मिल गई थी। और सेल्फ लाइफ की बात करूँ तो 3 साल है दोस्तों, और ये 100% किसी भी एनिमल पर ये टेस्टेड नहीं है। और इसके जो सारे प्रोडक्ट है काफ़ी सेफ है, तो अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें आपको सारी चीज़ें 5 स्टेप में मिलती है, जैसे हर फेशियल में होता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट है ना, आपको मिलेगा 12 ग्राम का सारा जो भी प्रोडक्ट है, बस आपको फ्रूट पैक जो है यहाँ पे 15 ग्राम दी गई है। तो ये काफ़ी एडवांटेज है, यू नो, पैक जो है थोड़ा हमारा ज़्यादा ही खत्म हो जाता है, तो इसलिए 15 ग्राम ये आपको देती है। दोस्तों, बाकी जितनी प्रोडक्ट है 12 ग्राम के ट्यूब में आपको मिलेंगी। दोस्तों इस तरीके से आपको अंदर का प्रोडक्ट जो है रिसीव होता है, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देख लीजिए, ट्यूब बेस है, तो इसको आप दोबारा यूज़ करोगे या फिर कहीं रखोगे या ट्रेवल पर लेके जाओगे तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें 5 चीज़ें आपको मिल गई हैं, देख लीजिए, एक है क्लिंजर, और यहाँ पे है फेशियल स्क्रब, और यहाँ पे मसाज क्रीम, फ्रूट पैक, और यहाँ पे है फेस क्रीम, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि फेस क्रीम जो होता है फेशियल के बाद जब मैं अप्लाई करूँगी तो इसका रिजल्ट कैसा होगा, ये जानने के लिए। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इसकी अच्छी बात यह है कि आपको स्टेप 1 स्टेप 2 ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता है, तो अगर फर्स्ट टाइम भी यूज़ करोगे तो आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ कौन सा नहीं, तो सारे हैं। और इसको आप कहीं पे इजी टू कैरी है, आप कहीं पे ट्रेवल पे भी ले जा सकते हो सारे प्रोडक्ट को आप बाहर निकालने के बाद। और अवेलेबिलिटी की बात करो तो ये आपको कोई भी लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स, और आई थिंक ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी अगर आप सर्च करके देख लो एक बार, ठीक है। और आप कम से कम 3 बार फेशियल तक पक्का कर सकते हो सारे प्रोडक्ट। 12 ग्राम का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आएगा, देख लीजिए, इस तरीके का ट्यूब होगा। दोस्तों, अब चलिए मैं चलती हूँ अपना फेस पे, फेशियल में आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि उस दौरान मेरा फेस कितना डल था और अभी जो है कितना ब्राइट लग रहा है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो फेशियल वाला है वो स्टेप को आगे करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा फेस कितना डल हो गया है, और इसमें कोई भी मेकअप अभी नहीं है। हमारा पहला स्टेप होगा क्लिंजिंग करना अपने फेस को दोस्तों, और ये क्लिंजर मैंने लिया है जोबीस का, इसमें साइट्रिक्स एंड ब्लैकबेरी यूज़ किया गया है जो बहुत अच्छी है हमारी स्किन के लिए। क्लिंजर को ऑल ओवर अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक आपको हल्के हाथों से मसाज करना है। मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ इसलिए आपको फास्ट लग रहा होगा, और जो क्लिंजर है इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लिंजर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मसाज क्रीम की तरह ही है दोस्तों, और ये एकदम से डीप क्लीन करता है आपकी स्किन को, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनाता है ये क्लिंजर, तो ये क्लिंजर भी काफ़ी मुझे पसंद आई है। 3 मिनट हो जाए जब मसाज का, तो आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको वेट वाइप से क्लीन करके दिखा रही हूँ दोस्तों, ये बहुत अच्छे से आपका फेस को क्लीन करता है, और देख लीजिए मेरे फेस पे वैसे तो कोई मेकअप था नहीं, और दोस्तों ये आपके फेस को बहुत सॉफ्ट बनाती है। अब चलिए अपने फेस को मैं वॉश करके आती हूँ। सेकेंड स्टेप है दोस्तों यहाँ पे फेशियल स्क्रब, इसके लिए और इसमें है हनी एंड आलमंड का यूज़ किया गया जो बहुत अच्छे हैं, हमारे फेस को शाइन भी प्रोवाइड करेगा दोस्तों। अब स्क्रब को मैं हथेली पर ले लूँगी जितना मुझे चाहिए। आप लोगों को इस तरीके से स्क्रब को भी अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लेनी है, और 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है, और हल्के हाथों से मसाज करिएगा, और फेस हमेशा गीला रहना चाहिए। मेरा एक पिंपल है, जैसे अगर आपको भी रहे तो उस पर ज़्यादा प्रेशर और छेड़खानी मत करिएगा आप लोग, ठीक है। इस पर ऑरेंज पील पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया जो आपकी स्किन में शाइन तो लाता ही है, और विटामिन सी आपकी स्किन को लाइटन करने में भी हेल्प करेगी। तरीके से आपको फेस को मसाज करनी है, और उसके बाद जब लगे कि आपका फेस ड्राई हो रहा था थोड़ा नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके जो ग्रैनुल्स है काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत बड़े नहीं है।
हमने अपने फेस को क्लीन कर लिया है दोस्तों, और आप खुद देख लीजिए ये सेकंड स्टेप मेरा कंप्लीट है। उसके बाद ही मेरा फेस कितना शाइन कर रहा, ग्लो आ गया है मेरे फेस पे, आप देख लीजिए, और सॉफ्ट सॉफ्ट भी लग रही है। मैं आपको पास से इसलिए दिखा रही हूँ, देख लीजिए इसमें ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को भी ये बहुत अच्छे से रिमूव कर चुका है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों यहाँ पे मसाज क्रीम का स्टेप 3, जिसमें है पपाया एंड पाइनएप्पल यूज़ किया गया है, और इसे मैं अपनी हथेली पे लूँगी। और इसे जो है आपको कच्चे दूध या नॉर्मल वाटर के साथ यूज़ करने के लिए कहा गया है, बट मैं यहाँ नॉर्मल वाटर नहीं, रोज़ वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई, मैंने फेस पे पूरे मसाज क्रीम को अप्लाई कर लिया है, और आपको इसे 20 मिनट तक, जी हाँ 20 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। आप 20 मिनट तक अगर मसाज करोगे तो ही पार्लर की तरह आपके फेस में ग्लो आएगा, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और हमारी स्किन जो हेल्दी होती है साथ ही शाइनियर होती है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप भी मैं शेयर कर ले रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पता मुझे भी, बट मैं अपवर्ड मोशन में ही सारे मसाज करती हूँ। आपको एकदम से नीचे जैसे डायरेक्शन नहीं लाना है अपने हथेलियों का, और इस तरीके से मसाज करना काफ़ी होता है, आपके फॉरहेड की भी रिंकल्स चले जाते हैं इससे, और आपके चिक्स जो है काफ़ी शाइनी एंड ग्लोइंग होते हैं। तो इस तरीके से आपको 20 मिनट तक मसाज करते रहना है दोस्तों। डबल चिन की प्रॉब्लम है तो इस तरीके से मसाज करें जैसे मैं बता रही हूँ दोस्तों, और इसे आपको होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड तक, और ऐसे ही रिपीट करते रहना है 2 से 5 बार। मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फेस के जो एजिंग साइंस है उसे भी कम करने में बहुत हेल्प करती है। लास्ट में फ्रेंड्स इस तरीके से डैप डैप अपने फेस को करना है, क्योंकि इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन और अच्छे से होगी और आपका जो रिजल्ट है फेशियल का और बेटर मिलेगा। मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है और इसका रिजल्ट काफ़ी ऑसम है, आप लोग भी देख सकते हो। अब फोर्थ स्टेप है जो फ्रूट फेस पैक हमें अप्लाई करनी है, और इसमें है एप्पल एंड एवोकाडो का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए फेस पैक को हम अप्लाई करते हैं। पैक को मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, आप ब्रश का भी हेल्प ले सकते हो, बट मुझे फिंगर से ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोस्तों मैं इस पैक की अच्छी बात बता दूँ, इसमें बहुत सारे फ्रूट एंड विटामिन का यूज़ किया गया है, जैसे कि फलों का एक्सट्रैक्ट है ये, तो एप्पल में आपको पता है विटामिन ए एंड सी होता है, एंड एवोकाडो में विटामिन बी एंड डी होती है एंड ई होती है, जो एक्सट्रीमली अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए, जो नरिशमेंट मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करेगी, साथ ही रिजुविनेट करेगी आपकी स्किन को, और बहुत ही फेयर एंड कॉम्प्लेक्शन को जो है आपको एकदम क्लियर करने में ये हेल्प करेगी। दोस्तों मैंने फेस पैक को ऑलरेडी पूरा अच्छे से लगा लिया है, अपने आई एरिया को आपको छोड़ देनी है, और अपने नेक एरिया में सारे स्टेप करनी है जो आपको मैंने दिखाया है, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपको इसे 20 मिनट तक सूखने देना है, जिसे ड्राई होने देना है, और पैक अप्लाई हो जाने के बाद आपको बिल्कुल भी ज़्यादा बातें नहीं करनी है, इससे रिंकल्स आ सकते हैं। मेरा फेस पैक सूख चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अब मैं इसे नॉर्मल पानी से अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए वॉश कर लूँगी। तो अब मैं अपने फेस को अच्छे से पैट ड्राई कर लूँगी, और फाइनल ये हुआ है कि देख लीजिए मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा है, और सबसे अच्छी बात यह कि मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है, और जो थोड़े बहुत डार्क पैचेस थे वो भी चले गए हैं। हाँ पिंपल इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को फाइनल स्टेप करनी है, जी हाँ फेस क्रीम। तो हमें फेस क्रीम लगाने है, जिसका मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी, फिर भी मैं आपको फेस को थोड़ा सा पहले और दिखा ले रही हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है फ्रेंड्स। अभी जो फेस क्रीम है इसमें टी ट्री एंड विथ हेजल का यूज़ किया गया है, तो चलिए डॉट डॉट करते पहले अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो इस क्रीम को मैं अच्छे से हल्के हाथों से मसाज कर ली हूँ, जैसे नॉर्मल क्रीम करते हैं, और आपको ऐसे ही छोड़ देनी है, ठीक है। और दोस्तों ये जो क्रीम का टेक्सचर है काफ़ी लाइट है, और ये काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहा है, मॉइस्चराइजिंग भी फील करा रहा है ये मुझे, और ये सैंडलवुड इसमें यूज़ किया गया है तो और भी अच्छी बात है। इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद मेरा फेस जो है थोड़ा सा और ज़्यादा फेयर एंड ब्राइट लग रहा है, बी ऑनेस्ट। इसकी जो क्रीम की कंसिस्टेंसी है ना दोस्तों, ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छी है, नॉर्मल के लिए भी, और सब के लिए। फ्रेंड्स ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, और आप देख सकते हो मेरा फेस काफ़ी ग्लोइंग, फेयर एंड ब्राइट लग रही है। रियली मैं फील कर रही हूँ कि बहुत सॉफ्ट मेरी स्किन हो गई है, जो फेशियल के बाद एक्चुअली में होता है। 2-3 दिन के बाद तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। आप जैसे कि मेरे नेक पे मैंने नहीं किया है तो डिफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है। और मैं आप लोग को ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर से इसे ट्राई करना दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। दोस्तों तो वीडियो के अंत में मैं बताने वाली थी कि आप फेशियल के 2 दिन के बाद आपके फेस का जो रिजल्ट है कैसा है, क्योंकि फेशियल आप जब करोगे तो इंस्टेंट ग्लो तो आपको मिलता है, जाहिर सी बात थोड़ा सा मिलता है, लेकिन 2-3 दिन बाद आपका फेस जो वल्ला और ज़्यादा चमकने लगता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों, इसका फेशियल का एक रिजल्ट ये आया कि मेरे फेस में सबसे पहले ग्लो आया है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट एंड माइल्ड हो गई। आई थिंक ब्लड सर्कुलेशन जब होने लगता है मसाज के दौरान तो सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिसकी वजह से आपका फेस जो है पूरा शाइन करने लगता है। होती है ना
फेयर लगती है वैसे लगने लगी, शायद ग्लोइंग आ गया मेरे फेस पे इसलिए क्योंकि मेरे वीडियो देख लीजिए आप, उसमें बहुत डल चेहरा लग रहा है और अभी मेरा फेस जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट फील कर रहा है एंड ग्लो कर रहा है। बस इतने ही सा फेशियल में फेशियल करने के बाद फ़र्क आया है, जो बहुत बड़ा फ़र्क है कि आपके फेस में शाइन प्रोवाइड करता है एंड बहुत ज़्यादा ग्लोइंग आपको प्रोवाइड करता है। ट्रस्ट मी दोस्तों, एक डल चेहरे को अगर आपको लगता है बहुत डल हो चुका तो एक बार आपको इस फेशियल किट को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि इसी को करिए, आप कोई भी करिए लेकिन फ्रूट फेशियल आप लोग कर सकते, अच्छी लगी। एंड दोस्तों इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप देख सकते हो मेरा फेस जो है बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो मुझे ये पसंद आ गया है दोस्तों। तो मेरा यही फाइनल रिजल्ट था 24 के मिनी फेशियल किट के बारे में, तो पॉजिटिव है, आप इसको ज़रूर यूज़ करिए, आपको भी ये अच्छा लगेगा दोस्तों। तो यही जो था मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके सामने जो घंटी उसे भी हिट कर लेना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वक्त पे। और दोस्तों इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो कमेंट कर लेना, और अब मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेसन, स्टे ब्यूटी।